गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं हूँ राम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड मोटिवेशनल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है निप्पा वायरस। इस वीडियो में हम निप्पा वायरस की पूरी जानकारी लेंगे कि निप्पा वायरस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या बचाव है और इसके इन्फेक्शन होने के बाद क्या जाँच कराएं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे वाले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, WHO ने उनके अनुसार निप्पा वायरस एक उभरते हुए संक्रामक बीमारी है जो जानवरों और मनुष्यों दोनों में गंभीर बीमारी का कारण बनती है। यह पहली बार 1998 में मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया था। उस समय यह मुख्य रूप से सुअरों में पाया जाता था और उनके माध्यम से यह मनुष्यों में फैलता था। तब निप्पा वायरस ने करीब 265 लोगों को संक्रमित किया और इस बीमारी की शुरुआत मलेशिया के निप्पा कस्बे से हुई थी, इसीलिए इसे निप्पा वायरस नाम दिया गया था। दोस्तों, WHO के अनुसार निप्पा वायरस नेचुरल रूप से चमगादड़ की एक प्रजाति टेरोपस जीनस से फैलता है। यह वायरस संक्रमित चमगादड़, सुअर या इंसानों के संपर्क में आने से भी फैलता है। 2004 में जिन लोगों ने चमगादड़ से संक्रमित ताड़ी का सेवन किया था उन लोगों में यह रोग देखा गया था, जिनमें से कई मरीज बांग्लादेश के और कई भारत के भी थे। अब बात करेंगे निप्पा वायरस के कारण। यह वायरस मुख्य रूप से चमगादड़ के मूत्र, लार और तरल पदार्थ में मौजूद होता है। इसकी पहली घटना तब हुई जब मलेशियाई खेतों में सुअर चमगादड़ के संपर्क में आए, जिन्होंने वनों की कटाई के कारण अपना आवास खो दिए थे। निप्पा वायरस जो एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित सुअरों, उनके मल मूत्र के सीधे संपर्क में आने के बाद मलेशियाई और सिंगापुर के लोगों में फैला। भारत में निप्पा वायरस चमगादड़ों द्वारा पेड़ों के फलों को संक्रमित करने से फैला। जब इन फलों को लोगों द्वारा खाया गया तब उनमें इस बीमारी के लक्षण विकसित हुए। निप्पा वायरस की जांच। दोस्तों, भारत में निप्पा वायरस के मरीजों की जांच एलिजा टेस्ट द्वारा की जाती है। निप्पा वायरस के लक्षण। दोस्तों, अचानक बुखार का आना, दिमाग में सूजन, सिर दर्द, बेचैनी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी आना और मानसिक भ्रम का होना, यह एक निप्पा वायरस के संक्रमण का लक्षण हो सकता है। रोकथाम। दोस्तों, वैसे तो इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, बस एक बचाव ही इसका एक उपाय है। जैसे चमगादड़ों वाले इलाकों में जाने से बचे, सुअरों के संपर्क में आने से बचे। निप्पा वायरस के सबसे ज्यादा मामले हाल ही में केरल में पाए गए थे, जो कि संक्रामक फलों को खाने की वजह से हुई थी। इसीलिए कटे फटे निशान वाले फलों को ना खरीदे और साथ ही ताड़ी का बिल्कुल भी सेवन ना करें। स्वच्छता पर ध्यान दें और अगर कोई भी समस्या हो तो तुरंत हॉस्पिटल में जाएं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।